लद्दाख में रेजांगला के पास चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ आमने सामने की स्थिति में है। इसके बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क जारी है। भारतीय सेना के सूत्र के मुताबिक मंगलवार को यह जानकारी दी गई। इससे पहले सोमवार रात को चीन ने पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। मीडिया में आ रही तस्वीरों से रेजांगला के पास चीन की सेना के सैनिक हाथों में नुकीले रड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद से 3 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे सीमा विवाद में भारत और चीन के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। बता दें कि सोमवार की रात चीन ने भारतीय सैनिकों को उकसाने के लिए 10 से 15 राउंड हवाई फायरिंग भी की थी। इसके साथ ही उसने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करने का आरोप भी लगाया था। चीन के इस झूठ पर भारतीय सेना ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि चीन की सेना उकसाने वाली हरकतें कर रही है। रॉड और भालों के साथ आए थे करीब 50 चीनी सैनिक। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की शाम करीब 6 बजे पीएलए के करीब 50 सैनिक आक्रामक तरीके से मुखपारी चोटी के पास भारतीय पोस्ट के इलाके से भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश की थी। चीनी सैनिकों के पास रॉड, भाले और धारदार हथियार थे। भारतीय सेना ने कहा कि हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं, हालांकि हम हर कीमत पर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ है। सेना ने कहा, चीन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने किसी भी स्तर पर LSC पार नहीं की है। सेना ने बयान में कहा, 7 सितंबर को हुए तात्कालिक हमले में चीन के लिबरेशन आर्मी सैनिकों ने LSC पर हथियार फॉरवर्ड पोजिशन के करीब पहुँचने की कोशिश की। भारतीय सैनिक ने जब उन्हें वापस लौटने को कहा तो उन्होंने उकसाने के लिए हवा में 10 से 15 राउंड फायरिंग की।